ये गंजा, ये टकला और ये मोटा हराम खोर। टकले तेरी खैर नहीं, अमित शाह तेरे लिए। अरे हिंदुस्तान, हम 25 गौड़ है ना, तुम 100 गौड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है कौन सा। गांधी जी जैसा पाखंडी आदमी दुनिया में मिलने वाला नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश बैरागी, आपके अपने चैनल सत्यवार्ता में आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे उन राजनीतिक दलों की और उन राजनेताओं की जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। इस भारतीय संस्कृति और धर्म को टारगेट करने वालों का सपोर्ट कर सकते हैं वे लोग। यहाँ की सनातन संस्कृति, जो यहाँ की वास्तविक संस्कृति है, उसको नीचा दिखाने वाले लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं मात्र वोट बैंक की खातिर। इन लोगों ने कई लोगों को अपने सिर पर चढ़ाकर कान में सुसु करवाने का काम करवाया है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, यहाँ के वास्तविक धर्म पर चोट पहुंचाने का काम किया है। भारत माता को गाली दे सकते हैं वो लोग, सनातन संस्कृति सनातन धर्म को गाली दे सकते हैं। वर्तमान गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को गाली दे सकते हैं, हमारे साधु संत त्यागी सन्यासियों को गाली दे सकते हैं। किस लिए? सिर्फ वोट बैंक के खातिर ये लोग उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं। वामी और कामियों का संगठन इस देश पर कई सालों से राज कर रहा है। इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को अपने सिर पर बिठा कर कान में सुसु करवाने का काम करवाया है केवल वोट बैंक के खातिर। ये लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वोट बैंक के खातिर, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खातिर ये अपने माँ बाप को भी नीलाम कर सकते हैं। ये 6वीं 7वीं 8वीं फेल राजनीतिक प्रवक्ता टीवी डिबेट में आकर हमारे साधु संतों को गालियां देते हैं। वामपंथियों के लिखे हुए झूठे इतिहास को बार बार उनका बखान करके हमारे साधु संत और हमारी पवित्र सभ्यता संस्कृति को गाली देते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस भारत देश के टुकड़े करने वालों का सपोर्ट करते हैं। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश को गाली दी जा सकती है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सनातन संस्कृति को टारगेट किया जा सकता है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हमारे भगवान श्री राम का अपमान किया जा सकता है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उनकी बद्दी तस्वीरें बनाई जा सकती है? अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में है तो सच बोलने वालों को जेल में क्यों ठूसा जाता है? आज पब्लिक डोमेन में सब है। वामियों कामियों के द्वारा लिखे गए इतिहास के इतर भी जो वास्तविक इतिहास है वो आज पब्लिक डोमेन में है। भारत की जनता है वो जागरूक हो चुकी है। कॉमिक्सों में जीवन व्यापन करने वाली आज की जनरेशन नहीं है, वो पढ़ना सीख चुकी है। इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल बुक के माध्यम से लोग पढ़कर वास्तविकता जान चुके हैं। अब बात करते हैं महाराज कालीचरण जी के बारे में, उनके वास्तविक जीवन के बारे में। आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, वे एक बलिष्ठ, ताकतवर और संगीत अज्ञ भक्त और एक त्यागी सन्यासी संत हैं। उनके साथ ये 6वीं 7वीं 8वीं पास राजनीतिक प्रवक्ता जो टीवी डिबेट में बैठकर उनको गालियां देते हैं, ये वो लोग ये भूल जाते हैं कि आज वर्तमान में जो जीवित लोग हैं, जो संवैधानिक पद पर आसीन हैं, उन लोगों को जब गालियां दी जाती है, जब ये लोग चुप बैठते हैं, भगवान श्री राम के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ ओवैसी बंधुओं के द्वारा की जाती, तब ये लोग चुप रहते हैं।
लोकतांत्रिक देश में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए किसी की गर्दन काटने पर इनाम रखने वालों पर ये लोग चुप रहते हैं, मारने काटने की बात करने वालों पर ये लोग चुप रहते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के महान संतों को टारगेट करके जेल में ठूसने का काम करते हैं। अगर आप वास्तव में जानना ही चाहते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या अभद्र टिप्पणियाँ की है, तो आप वीडियो के इंट्रो में आप देख ही चुके होंगे। इस भारत देश के बारे में, भारत माता के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में और इस भारत की मूल संस्कृति के बारे में कई लोगों ने क्या क्या कहा है, परंतु राजनीतिक गंदी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये अपने ही लोगों को टारगेट करने पर तुले हैं। ये वर्ण शंकर प्रजातियों में उत्पन्न कुछ राजनीतिक दल और राजनेताओं द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य किए गए हैं कि हमारी ही भारतीय संस्कृति को धूमिल करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।